उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक मासूम दरिंदे की हवस का शिकार बनी। 7 साल के मासूम को दरिंदा टॉफी देने के बहाने साथ ले गया और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पूरी घटना ग्रेटर नोएडा की है। यहां पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने बच्ची के साथ हैवानियत की है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। परिजनों ने बच्ची के साथ थाने में पहुंचकर युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक 7 साल की मासूम बच्ची घर से बाहर सामान लेने गई थी। रास्ते में गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसे पकड़ लिया और उसे टॉफी का लालच देकर अपने साथ ले गया, जिसके बाद उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। बच्ची रोते बिलखते घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। बेटी की बातें सुनकर माँ बाप के होश उड़ गए। परिजन बेटी को लेकर तुरंत जारचा पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि कल शाम को एक सूचना मिली थी थाना जारजा पर कि 7 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिस पर पुलिस ने पहुंच करके तत्काल वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें उसके मेडिकल परीक्षण और 164 के बयान करा करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल में अभी कुछ जो है प्रचलित है कार्यवाही, जैसे ही उसके रिजल्ट आएंगे तो बताया जाएगा।